इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में मंदिर में पूजा कर रही 54 वर्षीय महिला के साथ समुदाय विशेष के युवक ने अश्लील हरकत की। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी यासीन अली के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल महिला ने पुलिस को बताया कि सोमवार को शाम 6 बजे घर के पास बने शिव मंदिर पर दर्शन करने गई थी। मंदिर के अंदर नीले रंग की शर्ट पहना हुआ एक व्यक्ति सो रहा था। मैं दिया बत्ती कर रही थी, तभी उसने पीछे से मुझे पकड़ा। मुड़कर देखा तो कपड़े खींचने की कोशिश करने लगा। महिला ने आगे बताया कि मैं चिल्लाई तो आवाज सुनकर आसपास के लोग आए और मुझे बचाया। जैसे ही घटना की सूचना हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को मिली तो वहां भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहले आरोपी की जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि धार्मिक स्थल में महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाली 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और वह पहले राजस्थान में टेंट का काम कर चुका है। प्रथम दृष्टता वह मानसिक रूप से कमजोर लग रहा है। एमआईजी थाना क्षेत्र में धार्मिक स्थल के पास में एक महिला के साथ में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें एक आरोपी जो कि लगभग 25-26 साल का व्यक्ति बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी, आरोपी वेस्ट बंगाल से मालदा जिले का रहने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है, जो कि इससे पहले पूर्व में राजस्थान में टेंट का काम कर चुका है और यहाँ पर भी कुछ कबाड़ी का अन्य काम करता है। और वो प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से थोड़ा सा कमजोर भी समझ में आ रहा है, जिसके अनुसार उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है।